तो अभी आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, या फिर डे टू डे लाइफ में भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मतलब जानना हम लोग के लिए हमेशा लाभदायक होता है। सो वेन एवर अ पर्सन डील्स इन परचेज, वेन एवर पर्सन डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ एनी आइटम, कोई भी अगर सामान खरीद बिक्री करता है तो ही आइदर गेन्स और लूजेस सम अमाउंट ऑफ मनी, या तो उसको कुछ फ़ायदा होगा या तो उसको नुकसान होगा। द एम ऑफ एंटायर बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, जितना भी बिजनेस हमारे इर्द गिर्द चल रहा है उसका जो मेन एम ही होता है कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कोई भी लॉस में जाना नहीं चाहता कोई भी बिजनेस। ठीक, तो अब क्या क्या टर्म्स यूजली हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में? एक होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी क्या क्या कीमत है किसी सब्सटेंस की, कोई कॉस्ट प्राइस मतलब उसका क्या कॉस्ट है, क्या कीमत है। सेलिंग प्राइस मतलब कितना में आप उसको बेचने जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस वो होता है। गेन होता है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, तो गेन जो होता है गेन तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जिस पे आप बेच रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट पे बेच रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस कम हो, तो गेन होता है SP माइनस CP। ठीक है, और अगर गेन आपका पॉजिटिव आया तो चलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही गेन नेगेटिव आया इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, तो या तो आप लॉस का एक अलग से फॉर्मूला याद कर सकते हैं यहाँ पे CP माइनस SP, या तो इसी फॉर्मूला में अगर आपका गेन नेगेटिव आ रहा है तो आप समझिए लॉस हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या है, लॉस बता दिए हैं। गेन परसेंट क्या होता है? तो गेन या लॉस कोई भी चीज़ है वो आपको किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आपके सामान की कीमत के रिस्पेक्ट में। मान आपको 50 रुपया है, अगर आप 60 रुपया में इसको बेच रहे हैं, ये आपका सामान का कॉस्ट है, उसका ये सेलिंग प्राइस है, तो आपको 10 रुपया गेन किस पर किसके रिस्पेक्ट हो रहा है 50 के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका एक तरह से रेफरेंस हो गया। तो इसीलिए जब भी हम लोग गेन परसेंट भी निकालते हैं तो हम लोग गेन को CP के रेस्पेक्ट में उसका परसेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं गेन परसेंटेज का। उसी तरह लॉस परसेंट भी जब हम लोग निकालेंगे तो लॉस को भी हम लोग CP के रेस्पेक्ट में ही लॉस परसेंट भी निकालेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो इससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो मितेश सोल्ड 2 TV sets फॉर 3600। तो मितेश 2 TV set को बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना था? 3600, 3600 रुपये। ठीक है, ईच गेनिंग 20% ऑन वन, एक में उसको गेन हो रहा है, गेन परसेंट कितना है? 20%, एंड लूजिंग 20% ऑन अदर, एक में उसको लॉस हो रहा है, लॉस भी 20% का ही है। फाइंड टोटल गेन और लॉस परसेंट, तो उसका टोटल गेन या लॉस परसेंट क्या है? तो गेन तभी होगा जब उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, CP कम हो। ठीक है, तो यहाँ से आप गेन परसेंट का फॉर्मूला जानते हैं, गेन डिवाइड बाई CP। तो इससे बेटर एक तरीका है, गेन जो होता है वो CP पे होता है। ठीक है, तो CP प्लस CP इंटू 20/100 जो होता है वो हम लोग SP होता है ना। इसको हम आप एडिट कर देंगे, इसको बेसिकली आप CP कुछ मान लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। पहले तो देखो अपने को CP नहीं मालूम है। ठीक है, ये 2 केस हो गया, ये और क्या हो गया, 2 केस हो गया अपने पास। एक इसमें भी अपने को CP नहीं मालूम, इसका मान लेते CP1 है और इसका मान लेते CP2। ठीक है, तो CP1 है तो यहाँ पे गेन क्या है? गेन होगा अपना 3600 माइनस CP1। ठीक है, और यहाँ लॉस हो रहा है अपने को, तो लॉस के केस में क्या बड़ा होगा? हम लोग का सेलिंग प्राइस ही बड़ा होगा, तो यहाँ CP2 माइनस 3600 जो है वो हम लोग का लॉस है।
गेन परसेंट कैसे निकालेगा, 3600 माइनस CP1 बाई CP1 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इस लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो लॉस जो है CP2 माइनस 3600 बाई CP2 इंटू 100, ये हम लोग कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग को, तो हम लोग का इक्वेशन वन है या इक्वेशन टू है, तो हम लोग का इक्वेशन वन CP1 का वैल्यू दे देगा और इक्वेशन टू CP2 का वैल्यू दे देगा। सॉल्व करते हैं तो चेंज चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये 5 बार में कट रहा है। ठीक है, तो थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस CP1 माइनस CP1 इक्वल टू CP1 बाई 5, ये एक इक्वेशन हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी 5 बार में कट रहा है, ये CP2 माइनस 3600 इक्वल टू CP2 बाई 5। इक्वेशन वन को ये भी पहले सॉल्व करते हैं, इक्वेशन वन को सॉल्व कर इधर 3600 और ये CP1 प्लस CP1 बाई 5 हो गया, ये 6/5 CP1 हो गया। तो CP1 अपना कितना हुआ, ये 5 ऊपर जाएगा, 3600 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, ये 6 बार में, तो 600, ये अपना CP1 3000 हो गया। ठीक है, CP1 निकल गया आराम से अपना, और CP2 कितना हो गया, इक्वेशन टू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 3600 है, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो ये CP2 माइनस CP2 बाई 5, तो ये हम लोग को 4/5 CP2 दे देगा 3600। तो यहाँ से ये 4900 बढ़ जाएगा, तो 905 जा, तो यहाँ से CP2 जो है अपना 905 टाइम्स 4500 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को CP1 और CP2 दोनों मिल गया। तब पूछ रहे टोटल लॉस और टोटल गेन परसेंट, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो अपना CP1 है कितना, CP1 3000, CP2 4500, 3000 CP2 4500, और SP1 भी मतलब पहला का सेलिंग प्राइस और दूसरा का सेलिंग प्राइस दोनों सेम ही था, कितना था 3600 3600 3600। उसका जो टोटल टोटल CP कितना हो गया, 3000 प्लस 4500, तो ये 7500 हो गया। ठीक है, टोटल SP 3600 इंटू 2 ये 7200 हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग का CP ज़्यादा है और अब बेच इसको कम ले रहा है, तो लॉस कितना का हो गया, 7500 माइनस 7200 ना, तो 800, ये ऑलमोस्ट इतना का लॉस है, 250 का लॉस हो रहा है ना। सॉरी 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 सॉरी, 800 का लॉस नहीं, 7500 है एक और एक 7200, तो ये 300 का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट निकालना है अगर, तो क्या करेंगे, 300 डिवाइड बाई टोटल से भी कितना है, 7500 इंटू 100 कर देंगे, तो पहले तो ये 0, फिर 2 0 कट गया, ये 3 25 बार में गया, 25 4 बार में, 4% का लॉस हो रहा है इसका। ठीक है, लॉस का 4% है, ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूज फॉल्टी मेजर, हिज 1 kg वेट मेजर्स 950
ग्राम्स वाली, फाइंड द गेन परसेंट। एक डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट प्रोफेस है, वो अपना सामान को बेचना चाहता है एट द कॉस्ट प्राइस, बट यूज़ फॉल्टी मेजर, लेकिन फॉल्टी मेजर यूज़ कर रहा है। उसका 1 kg जो है वो 950 ग्राम ही मेजर करता है, तो उसका गेन परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। उसका 1 kg जो है 950 ग्राम है एक्चुअल ना, एक्चुअल में इतना है, और ये मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए फेक इतना है, ठीक है। उसका गेन परसेंट पूछ रहा है, तो फिर लेट 1000 ग्राम का दाम है 100 रुपीज़, ठीक है। तो सीपी उसका इतना हो गया, बट वो दे थोड़ी रहा है उतना, वो दे रहा है आपको 950 ग्राम, ठीक है। उसका दाम कितना हुआ, तो 100 ग्राम। अगर 1000 ग्राम का दाम है 100 रुपया, 950 ग्राम का हो गया 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 950 रुपया, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो ये 95, मतलब उसको को बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे ही, मतलब तो 100 रुपये पे ही बेच रहा है, लेकिन उसको पड़ रहा है 95, समझे। तो इसका जो ये सेलिंग प्राइस ही है, और उसका ये कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो 95 पड़ रहा है, तो उसका गेन परसेंट कितना हो गया। गेन उसका पहले 5 हुआ, तो 5 बाई, इसका सीपी कितना पड़ा, 95 इंटू 100%, 5 19 बार में 100 बाई 19% गेन उसको हो रहा है ना। उसको तो बाद में वेरीफाई करेंगे। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%। 3 सक्सेसिव अगर एक्स है सपोज शुरू में, उसका अमाउंट मार्क प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट जो है वो जो है 10%, 20%, फिर 30% सक्सेसफुली मिल रहा है। तो ये एक्स है, एक्स इंटू 1 माइनस 10 बाई 100, 1 माइनस 20 बाई 100, 1 माइनस 30 बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इंटू 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.7, ये कितना हो गया, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते पहले। कैलकुलेटर कहाँ गया, हाँ, तो ये जो है 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.7, ये 0.504 आ गया, 0.504। तो ये शुरू में इसका प्राइस इतना था एक्स, और उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट एक्स माइनस 0.504, तो ये 0.596 फोर्टी
496x उसको डिस्काउंट मिल रहा है, 0.496x है ना। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंट डिफरेंट अलग ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं डिफरेंट, डिस्काउंट डिवाइड बाय सी पी। डिस्काउंट है 496x डिवाइड बाय x इंटू 100, तो ये अपना 49.6% आ गया। और क्रॉस चेक कर लेंगे इसको, शॉपकीपर सोल्ड गोड्स फॉर 2400 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% इन प्रोसेस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही हैड सोल्ड हिज गुड फॉर इतना। एक शॉपकीपर है, वो गुड्स को कितना में बेच रहा है, 2400, एंड मेड अ प्रॉफिट कितना बनाया, 25%, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द गुड फॉर, अगर उसका दूसरा एक केस है इसमें अगर वो गुड को इतना में बेचता तो प्रॉफिट, ये भी चेंज हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना होता है ये पूछा जा रहा था। पहले सीपी निकाल लो इस पहले डाटा से, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100 इक्वल टू 25%, ठीक है। ऑब्वियस प्रॉफिट अपने को कैसे मालूम चलेगा, प्रॉफिट जो होता है वो सीपी माइनस, नहीं प्रॉफिट के केस में एसपी ज़्यादा होता है, एसपी ज़्यादा होता है सीपी से प्रॉफिट में, ठीक है। तो एसपी कितना, 2400 माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100 इक्वल टू 25, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 आ गया, यहाँ पे 2400 इज इक्वल टू सी पी बाई 4 प्लस सी पी ना, तो ये 5/4 सी पी आ गया। यहाँ से सी पी का वैल्यू कितना आ गया, 2400 × 4/5, ठीक है। यहाँ से फिर 9600/5 हो गया, और पाँच 18 बार में, 5 19 बार में 95/1 दिया गया, ठीक है। तो 1920 हो गया इसका सी पी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इसका सी पी तो सेम ही रहेगा 1920, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर सी पी इसका 1920 ही और इसका एस पी चेंज होकर 2040 हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा इस केस में, 2040 − 1920, तो इधर 80 और उधर 40, 120 रुपया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी कितना इनटू 100, 12 × 0 = 6 × 12 = 6 × 18 = 6 × 2 = 16 25 बार में 4 बार में, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 25/4%, यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया। सो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।